महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के हथियार डिपो के पास पुराने विस्फोटक नष्ट करने के दौरान धमाका होने से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया जबकि 1 पैरा कमांडो शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे और आखिरी दौर के विधानसभा चुनाव में 72 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई विवाद में सीवीसी की रिपोर्ट लीक किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मामले में सुनवाई 29 नवंबर तक टाली। सीबीआई घूसकांड के बीच डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और लॉ सेक्रेटरी पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया जिसका लॉ सेक्रेटरी सुरेश चंद ने खंडन किया। सीबीआई के डीआईजी के आरोप सामने आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिल्ली में चौकीदार ही चोर नाम का सीरियल थ्रिलर चलने का आरोप लगाया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर मनगढ़ंत आरोपों की सुपारी लेने का आरोप लगा दिया। बड़ी खबर आ रही है बिहार से जहां पर अवैध हथियार रखने के आरोप में काफी समय से फरार चल रही बिहार की मंत्री रही मंजू वर्मा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने मंजू वर्मा के घर के बाहर कुर्की जब्ती का पोस्टर चिपकाया था और मंजू वर्मा ने बेगूसराय की मंझौस कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। यह खबर अभी आ रही है, मंजू वर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पूर्व मंत्री है मंजू वर्मा और अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी उनको।